Hello everyone, welcome to our channel Maxwell Study Hub. So today we are going to continue our chapter जहां पर हम आज biological weathering के बारे में पढ़ेंगे. Today we are going to study about the rapid mass movement और slow mass movement के साथ हम हमारा chapter आज complete करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट वन के हमने मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में स्टडी की और हमने केमिकल रिएक्शन के वजह से जो रॉक डिसइंटीग्रेट होता है यानी कि केमिकल वेदरिंग हमने कंप्लीट किया और उनके सब क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने स्टडी की. अब जब रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा और टूटता है तो केमिकल और मैकेनिकल के अलावा भी ऐसे कुछ सर्टन फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से रॉक टूटता है. ठीक है, तो आज हम वो देखेंगे कि बायोलॉजिकल वेदरिंग में ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं. देखो जो वर्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग दिखाया है, जो वर्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग है, सो इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि बायोलॉजिकल यानी कि रॉक जो टूट रहा है, वेदर हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है और वीकन हो रहा है, उसके पीछे लिविंग ऑर्गेनिज्म कि या ह्यूमन कंट्रोल का हाथ होता है. सो ऐसे जो रॉक टूट रहे हैं वो किसके अंदर क्लासिफाई हो जाते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर. सो एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है. बिसाइड्स मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल फैक्टर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स. मेनी टाइम्स यू हैव सीन पीसेस ऑफ रॉक गेटिंग सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द रूट ऑफ द ट्रीज. As the root grows bigger, they create tension in the rock and start breaking them. Okay, ants, rats, mice, rabbits and other worms and insects make burrows in the ground. Due to this, weathering of rock occurs. ठीक है, अब जैसे कि मैकेनिकल में कुछ सर्टन फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से रॉक टूटते हैं, जैसे फ्रोज देखा हमने, टेम्परेचर देखा, ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट द वाटर, ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट द फ्रीज थॉ वेदरिंग. सो इनकी वजह से वेदरिंग हो रहा है वहां पर. इवन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमने केमिकल वेदरिंग में देखा. अब बायोलॉजिकल के यहाँ पर कैसा होता है कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है और या लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि ट्री का ग्रो होना, ठीक है, नेचर में जितने भी जो कुछ सर्टन फैक्टर्स होते हैं जैसे ट्री का ग्रो होना, ये सारी चीजें, इनकी वजह से अगर इनडायरेक्टली रॉक टूट रहा है या डिसइंटीग्रेट हो रहा है, सो ऐसे रॉक के टूटने और डिसइंटीग्रेशन को हम किसके अंदर क्लासिफाई करेंगे? वी आर गोइंग टू क्लासिफाई अंडर बायोलॉजिकल वेदरिंग. सो यहां पर एक एग्जांपल लेके बताया गया है ट्री के रूट से. ठीक है, अब ट्री का जब बढ़ता है ट्री, सो ट्री जो अपर पार्ट होता है ट्री का, लीव्स वगैरह होते हैं वो भी बढ़ते हैं, ट्री की ब्रांचेस भी ग्रो होते हैं, इवन जो ट्री होता है वो अपने रूट से भी ग्रो होता है. सो जब उसके रूट्स ग्रो होते हैं, सो होता क्या है यहां पर कि रूट्स ग्रो होते वह रॉक जो वो उन रूट्स के बीच में आते हैं और जब वो रूट्स जब वो अपने आप को ग्रो करता है, सो वो क्या करता है, रॉक को तोड़ते हुए, वो डिसइंटीग्रेट करते हुए वो रूट्स ग्रो होते हैं. सो यहां होता क्या है कि रॉक की जो ट्री की जो रूट्स है वो रूट्स इनडायरेक्टली रॉक को क्या कर रहे हैं, वीकन कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और उसको सॉइल में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो यहां पर भी वेदरिंग हो रहा है बट कैसे, इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ रूट्स. ठीक है, सो ऐसे जो फैक्टर्स हैं जैसे एंट है, रैट्स है, माइस है, ये सारे क्या करते हैं कि अपना जो बिल है, जो घर है वो बनाने के लिए जो जितने भी रॉक्स हैं उनके अंदर क्या करते हैं, डिगिंग करना स्टार्ट करते हैं. सो अगेन ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और ये इनडायरेक्टली करते हैं, यानी कि इनका इंटेंशन रॉक को तोड़ना नहीं होता बट इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, रॉक वीकन हो रहा है और रॉक टूट रहा है. सो ये सारे जो फैक्टर्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से अगर रॉक टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वीकन हो रहा है, सो सच टाइप ऑफ वेदरिंग इज नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग. ये किसके अंदर क्लासिफाई हो जाएंगे? बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर क्लासिफाई हो जाएंगे. सो ये था हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग. सो ये हमने यहां तक हमने इंपॉर्टेंट थ्री जो सब क्लासिफिकेशन है वो हमने कवर किए. मैकेनिकल वेदरिंग हमने कवर किया, केमिकल वेदरिंग हमने कवर किया और आज हमने ये बायोलॉजिकल वेदरिंग भी कवर किया. ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वेदरिंग का.
अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं अबाउट रैपिड मास मूवमेंट। ठीक है, सो अब इन तीन फैक्टर्स को, इन तीन क्लासिफिकेशन, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, इनको छोड़कर अब जो रॉक होते हैं वो रॉक और भी कुछ चीजों की वजह से वेदर्ड होता है। वो अब यहां पर हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक है रैपिड मास मूवमेंट और दूसरा है हमारा स्लो मास मूवमेंट। नाउ देखो, रैपिड मास मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज रैपिड मास मूवमेंट? देखो, वर्ड यूज किया है रैपिड मास मूवमेंट, यानी कि मास मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जो बल्क में होगा, यानी कि रॉक वेदर्ड होंगे, यहां पर रॉक टूटेंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे, बट कैसे? बल्क में। ठीक है, और रैपिडली होगा, यानी कि ये जब रॉक टूटते हैं तो सारे बहुत फास्ट, इनका जो इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा जल्दी होता है और काफी ज्यादा, जैसे हमने एंडोजेनेटिक मूवमेंट में, अर्थक्वेक में हमने रैपिड मूवमेंट देखा था, जहां पर अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा रैपिडली अकर होता है और उसके इफेक्ट भी होते हैं काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। सिमिलरली रैपिड मास मूवमेंट में भी जैसे मूवमेंट सच एज लैंडस्लाइड्स वगैरह होना, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर रॉक का बड़ा सा चट्टान टूट कर नीचे गिर जाना, ये जो होते हैं इन्हें हम रैपिड मास मूवमेंट में काउंट करते हैं, बिकॉज ये सडनली होते हैं और रैपिडली होता है, और मास मूवमेंट यानी कि बहुत बड़े वेदरिंग जो होता है वो एक स्मॉल स्केल पे नहीं, वो लार्ज स्केल में होता है। So, देखते हैं हमारा पॉइंटर्स क्या बोलता है। रॉक फॉल्स, लैंडस्लाइड्स एंड लैंड सब्सिडेंस अकर्स रैपिडली। ठीक है, रॉक का गिरना और लैंडस्लाइड वगैरह होना, ये काफी ज्यादा रैपिडली टेक प्लेस होता है, ये रैपिड मूवमेंट है। देयर इफेक्ट्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज मोर इन द रीजन हैविंग ह्यूमिड क्लाइमेट्स एंड स्टीप स्लोप्स। अ थिक लेयर ऑफ वेदर्ड मटीरियल फॉर्म्स ऑन द स्लोप। When it rains in such areas, the rainwater penetrates the weathered material and their weight increases. The weathered material move very rapidly and come down the slope. अब ये जो landslides होते हैं और ये जब rock fall होता है, इनके पीछे का reason क्या होता है? हर किसी चीज के पीछे एक reason है. So अब यहाँ पर जो rock होते हैं वो rock के cracks में, यानी कि exfoliated rock जितने होते हैं उनके cracks और उनके fractures में वाटर एक्यूमुलेट होने की वजह से उनका वेट जो होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन द वेट और ड्यू टू इंक्रीज इन द डेंसिटी और मास, क्या होता है ये रैपिडली सडनली ये क्या हो जाते हैं, एक बड़े से माउंटेन या बड़े से पार्ट से ये टूटकर डिसइंटीग्रेट होकर नीचे की तरफ गिरते हैं। सो अगेन यहां पर रॉक डिसइंटीग्रेट हो रहा है, रॉक टूट रहा है, बड़े ही वो, भले ही वो बल्की में हो, ठीक है, बट वेदरिंग हो रहा है। सो इसलिए हम इसे काउंट करेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक में रैपिड मास मूवमेंट के अंदर। Sometimes the weathered material do not moves downward but sink. This is known as slumping. अब जैसे कुछ रॉक जो होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं और कुछ रॉक होते हैं जो सबसाइड हो जाते हैं, यानी कि धस जाते हैं, ऐसे रॉक भी वेदर्ड हो रहे हैं। ठीक है, सिंस वो नीचे नहीं गिर रहे हैं बट वो सबसाइड हो रहे हैं, सो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे स्लम्पिंग। क्या बोलोगे? स्लम्पिंग, यानी कि स्लम्प हो जाना, यानी कि वो एक बड़ा सा चट्टान धस जाना। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर स्लाइड में इमेज है हमारे पास, जहां पर रॉक्स रोड के जो हिली रीजन है मोस्टली यहाँ पर रैपिड मास मूवमेंट होता है, लैंडस्लाइड वगैरह जो हिली रीजन होते हैं वहां होता है। इसलिए कहा जाता है कि बारिश के मौसम में, यानी कि मॉनसून सीजन में ट्रैवलिंग जो हिली रीजन है वहां करना बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, बिकॉज कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्लो मास मूवमेंट। अब रैपिड मास मूवमेंट का जस्ट अपोजिट स्लोअर मास मूवमेंट, जहां पर मूवमेंट्स होते हैं वो मास मूवमेंट अगेन पूरे बल्की वे में होगा बट कैसा होगा? स्लोअर। ठीक है, अब ये धीरे धीरे मूवमेंट्स होते हैं, इनके इफेक्ट जो होते हैं वो काफी धीरे धीरे होते हैं। अब देखो क्या पॉइंटर्स एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इन एरियाज विद ड्राई क्लाइमेट एंड जेंटल स्लोप्स मास मूवमेंट अकर्स स्लोली। ठीक है, जहां पर ड्राई क्लाइमेट होता है, जहां पर मॉनसून नहीं होता, जहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होता, उस पर्टिकुलर जगह पर ये मूवमेंट ज्यादा करके देखने मिलते हैं। ठीक है, सिंस यहां पर कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये मूवमेंट कैसे है? स्लोअर मूवमेंट है। सॉइल क्रीप इज अ कॉमन फिनोमिनन, यानी कि स्लोअर मास मूवमेंट में अब तक जो ऑब्जर्वेशन किया गया है और काउंटिंग किया गया है उसमें से सॉइल क्रीप एक कॉमन फिनोमिनन, यानी कि एक कॉमन नेचुरल प्रोसेस माना गया है, देखा गया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इमेज में, आप सॉइल में देख सकते हो कि जो स्लोप्स है वो स्लोप्स में आप देख सकते हो वेव लाइक स्ट्रक्चर आप। ठीक है, वो जो वेव लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या है? इट्स नथिंग बट वो जो
बारिश होती है या जो सॉइल होते हैं वो वेट होकर क्या करते हैं, हिली रीजन से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, यानी कि सॉइल वेट हो रहा है, गीलापन होने की वजह से सॉइल क्या हो रहा है कि मेन पार्ट ऑफ द रॉक से क्या होगा, मेन माउंटेन से वो डिसअटैच हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है और धीरे धीरे नीचे की तरफ धस रहा है। ये होता है सॉइल क्रीप। इन पेरिग्लेशियल रीजन अलोंग स्लोप स्मॉलर लेयर ऑफ सॉइल एक्यूमुलेटेड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सॉइल, दिस इज कॉल्ड सोलिफ्यूकेशन। अब होता क्या है यहाँ पर कि जिस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि जो ग्लेशियर पार्ट होता है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर जगह पर भी सॉइल एक्यूमुलेट होता है, सॉइल स्लोप्स के साथ नीचे की तरफ धसता है, और सॉइल का स्लोप के साथ नीचे की तरफ धसना, इसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोलिफ्यूकेशन। सो ये था हमारा लोअर मास मूवमेंट। वी हैव कवर्ड द बायोलॉजिकल वेदरिंग, वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ रैपिड मास मूवमेंट, और आज हमने स्लोअर मास मूवमेंट में कवर किया, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट वन का। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे अपकमिंग लेसन में हम इरोजन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, अब प्रोसेस पार्ट टू में जाएंगे, सो वहां पर वी आर गोइंग टू डील विद इरोजन एंड डिपोजिशन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज हमारे इंडिया जैसे कंट्री जो बनी है, यानी कि जो नदन पार्ट है हमारे कंट्री का, वो मोस्टली इरोजन एंड डिपोजिशन से बना है। देखिए, और ये जो एजेंट्स, ये जो इरोजन डिपोजिशन होते हैं, इनके काफी ज्यादा अलग अलग एजेंट्स होते हैं। सो हम नेक्स्ट चैप्टर में उनके एजेंट्स ऑफ इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, एजेंट्स ऑफ इरोजन डिपोजिशन पढ़ने वाले हैं हम, और हम लैंडफॉर्म्स भी देखेंगे कि कौन से लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो लाइक वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, इरोजन इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल मूवमेंट, बराबर, ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है बिकॉज ये ऑन द सर्फेस हो रहा है। इरोजन अकर्स थ्रू वेरियस एजेंट, अलग अलग एजेंट्स है, जैसे वाटर है, विंड है, ग्लेशियर है, ये सारे अलग अलग एजेंट्स है जिनके वजह से इरोजन एंड डिपोजिशन होता है। विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, सी वाटर, ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा, ये सारे एजेंट्स ऑफ इरोजन है। वी विल स्टडी द एजेंट ऑफ इरोजन इन द नेक्स्ट चैप्टर इन डिटेल, जहां पर हम अगले आने वाले चैप्टर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, जहां हम इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे, उनके लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, अलग अलग हम साथ ही हम उन कुछ लैंडफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस भी इंजॉय करेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा एंड ऑफ द चैप्टर, वी आर एंड ऑफ द चैप्टर, जहां पर हमने सारे टॉपिक्स जो हमारे रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 2-3 के हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब मेरा काम तो यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरा मेहनत यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और आपका काम है ये सारे चैप्टर्स खोलकर, बुक खोलकर पढ़ना, सारे टॉपिक्स देखना। इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट अबाउट बायोलॉजिकल वेदरिंग और रैपिड मास मूवमेंट और स्लोअर मास मूवमेंट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं आप तक पहुंचूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।